सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एमडी पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी को ओहदों से हटा दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली और आमिर अतीक को फौरी एसएनजेए डी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सेक्रेटरी इंजीनियर डॉक्टर नईम रऊफ को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन रजा से। हसन रजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब और एमडी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को फौरी तौर पर ओहदों से हटाते हुए महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसएनजीए डी रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उस्मान अली खान जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के ओहदे पर तैनात थे और इनके साथ साथ इनको चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चार्ज भी इन्हीं के पास था, इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाते हुए एसएनजीए डी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आमिर रफीक खान जो कि डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी थे, इनको भी ओहदे से हटाते हुए एसएनजीए डी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। डॉक्टर नईम रऊफ जो कि सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब तैनात है, इनको सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब और चेयरमैन पंजाब ट्रांसिट अथॉरिटी के ओहदे के हवाले से दोनों एडिशनल चार्ज इनको सौंप दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर नईम रऊफ जो कि एक बेहतरीन ऑफिसर समझे जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब के तौर पर पहले ही काम कर रहे हैं, इनको जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब का एडिशनल चार्ज दिया गया है ताकि ये बेहतरीन तरीके से दोनों जिम्मेदारियां जो है वो अंजाम दे सकें। ठीक है हसन रजा, इस हवाले से अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।